अब प्रोडक्ट की लिस्टिंग हमने करवा ली, तो लिस्टिंग करवाने के बाद अभी प्रोडक्ट को सर्च करना है हमने कि कस्टमर जैसे ही आया तो वो किसी प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सर्च करना चाहता है, तो वो बिना लॉगिन करे भी कर सकता है। तो अभी वो राउट भी जो है हमें सेम स्कोप में रखना पड़ेगा, मतलब ग्लोबल स्कोप में रखना पड़ेगा। तो इसको रखते हैं हम राउट एंड सर्च प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेथड, मेथड गेट। गेट के बाद हम करेंगे कॉन्स्टेंट, मतलब उसका और पाथ, जो पाथ है वो डिक्लेयर करेंगे, सर्च प्रोडक्ट राउट। देन उसके बाद उसका कंट्रोलर, कंट्रोलर डॉट डॉट सर्च प्रोडक्ट। तो ये हो गया। अब हमें करना है ये दोनों चीज़ों डिक्लेयर। तो पहले कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, लाइक सर्च प्रोडक्ट के लिए क्या यूज़ होगा, तो सिंपल सर्च रखते हैं क्योंकि पेरेंट राउटिंग है जो वो हमें बता देगी कि क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद अभी इसका कंट्रोलर डिक्लेयर करते हैं। तो कंट्रोलर भी किस में होगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर होगा। तो उसके अंदर हम पहले फंक्शन बना लेते हैं, सी डॉट जिन डॉट कॉन्टेक्स्ट एंड उसके बाद का बॉडी। तो यहाँ से एरर हट गया। अब क्या है, हमने चीज़ें लिखनी है, तो ये पेजिनेशन वगैरह वगैरह जो है ये तो मैं एज इट इज़ ले लेता हूँ, ताकि हमें पेजिनेशन तो चाहिए होगी सर्च में, क्योंकि अगर मान लो मैं आईफोन सर्च करता हूँ तो कितनी चीज़ें, कितनी वैरायटी जो है वो निकल के आ सकती है, ठीक है। तो इसके साथ मैं एक चीज़ और लेता हूँ, क्या, एस पैरामीटर, जो कि क्या होगा, सर्च पैरामीटर होगा। तो उसको मैं एज ए सी डॉट क्वेरी लेता हूँ। क्यों, ये सी डॉट क्वेरी क्यों यूज़ किया मैंने यहाँ पे, तो इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्वेरी यूज़ किया था, उसका रीज़न ये था कि हमने कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी थी क्वेरी पैरामीटर की, जो पाथ के अंदर होते हैं, राइट। तो उसके बाद अभी क्या है कि सर्च का कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगा, वो कुछ भी सर्च कर सकता है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जब बाय डिफॉल्ट उसको कुछ एज ए वैल्यू नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमने सी डॉट क्वेरी कर दिया, जिसके अंदर हमें वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट नहीं देनी पड़ती, उससे क्या है कि हमारा काम ईजी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही यूज़र ये पैरामीटर देगा, सर्च पैरामीटर आएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसको रिजल्ट दिख जाएंगे, ठीक है जी। तो अभी बारी आती है डीबी क्वेरी की, डाटाबेस डॉट मैनेजर को कॉल की, मैनेजर ने आगे फंक्शन को कॉल की, उसने क्या बोला, सर्च प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो ये अभी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसमें हम पेज पेज दे देते हैं, लिमिट दे देते हैं, देन उसके बाद हम दे देते हैं ऑफसेट, देन उसके बाद देते हैं हम सर्च आइटम जो सर्च किया उसने, एंड देन लास्ट में हम क्या देंगे, कॉन्स्टेंट डॉट प्रोडक्ट कलेक्शन, ठीक है जी। तो ये हमने दे दी। तो अभी डीबी कॉल्स में एंड कनेक्शन में जाके हमें ये मेथड जो है वो डिक्लेयर करने होंगे। तो पहले कनेक्शन में डिक्लेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंट इंट एंड इंट, तो ये क्या होगा, पेज हो गया, लिमिट हो गया, ऑफसेट हो गया, उसके बाद हमारा कहता है सर्च आइटम, ठीक है। तो ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, एंड उसके बाद आता है कलेक्शन, तो ये भी क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का, एंड रिटर्न क्या होगा हमारे पास, एरे टाइप्स डॉट प्रोडक्ट, एंड उसके बाद उसका काउंट, मतलब वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें उसका काउंट भी निकालना पड़ेगा, एंड उसके बाद एरर, अगर उस चीज़ में कोई एरर आता है सर्च क्वेरी के दौरान, कोई भी एरर आता है तो वो यहाँ पे हमें मिल जाए। तो इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। अब चलते हैं डीबी कॉल्स पे। तो डीबी कॉल्स में हमें फंक्शन एंड देन वो पूरा कॉपी किया हुआ यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, एंड उसके बाद उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजर का ही बना दिया मैंने, अभी ये वाली चीज़ भी यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये भी हो गया। अब आगे क्या है, हमारी सर्च जो क्वेरी है, एंड उसके बाद आता है
कलेक्शन नेम, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या है हमारा प्रोडक्ट्स एंड हमारा काउंट एंड देन क्या है हमारा एरर। ठीक है जी, तो ये सारी इसकी क्या थी रिक्वायरमेंट थी, पैरामीटर और एंड रिटर्न थे। तो अभी जो पेजिनेशन वाला लॉजिक है वो तो हम यहाँ से डायरेक्ट उठा लेते हैं। अब पेजिनेशन हो गई है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमें मतलब डीप डेटाबेस को क्वेरी लगाने के लिए पहले कलेक्शन नेम भी जो है वो सिलेक्ट कराना पड़ेगा कि कौन से कलेक्शन में हमें वो क्वेरी करनी है। तो हमने वो भी लाइन यहाँ पे लिख ली, ठीक है। डेटाबेस चूज़ हो गया एंड कलेक्शन नेम जो हम भेज रहे होंगे वो चूज़ कर लेगा। देन अब बारी आती है क्वेरी लिखने की। हम पहले क्या चेक करेंगे, उससे पहले जो लिमिट ऑफसेट वाला ना उसका काम ख़त्म कर देते हैं ताकि वो बीच में ना रह जाए। हमने उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऊपर से कॉपी कर लिया क्योंकि हमने लिखा हुआ था, तो बारी बारी नहीं लिखेंगे उसी को। तो अभी क्या है, हम ये पहले चेक करेंगे कि सर्च आइटम जो है वो खाली तो नहीं आ रहा, मतलब उसमें कुछ लेंथ आ रही है, तो हम उसका लेंथ चेक कर लेंगे ऐसे करके। सर्च हम यहाँ पे थ्री लेटर का वैलिडेशन लगाएंगे कि अगर थ्री वर्ड हैं या थ्री से ज़्यादा हैं तो मेरा ये सर्च आइटम क्या होगा, वैलिड होगा। अदरवाइज़ क्या है, मैं उसको सारे रिजल्ट जो भी हैं वो शो कर दूंगा। तो अभी क्या है, मेरे को सर्च फिल्टर लगाने के लिए सर्च फिल्टर इसको मैं लिखता हूँ bison.m, क्योंकि इसमें हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो पास करने होंगे, तो इसीलिए इसको ऐसे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सर्च फिल्टर, उसके बाद डॉलर एंड। अब अगर आप लोगों को ये डॉलर एंड ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा है या ये कैसे लिख रहे हैं, तो गाइज ये सिर्फ MongoDB की क्वेरी है, ये कोई हार्ड एंड वास्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप MongoDB का क्वेरी एक बारी मतलब देख लोगे तो उसको GoLang में कन्वर्ट सिर्फ कन्वर्ट किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा और डॉलर और, क्योंकि हम उसको प्रोडक्ट नेम में चेक करेंगे एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे कि अगर उन दोनों में एग्जिस्ट करता है तो निकाल के दे दें हमें, ठीक है जी। तो इक्वल टू ये होगा एरे ऑफ बीसन डॉट एम, तो यहाँ पे ये हमने लिख लिया। और का मतलब क्या है कि अगर इनमें से कोई भी हमें मिल जाए तो, ठीक है जी, तो वो हमें क्या कर दे, रिटर्न कर दे। तो इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, लाइक अगर वो प्रोडक्ट नेम हुआ तो वो क्या करें, अब क्या करेंगे इसमें हम रेजेक्स इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या होगा वो लाइक, क्योंकि यहाँ पे अब मान लो आईफोन है, बंदे ने डाल दिया फोन, तो फोन तो मैच करता है ना, हम आई से हमें क्या लेना देना, उसने फोन में कितने लेटर्स पास किए, 4-5 लेटर पास कर दिए, तो हमें हमारा फर्ज बनता है कि उसको रिजल्ट दें, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो स्टक हो जाए वहाँ पे। तो प्रिमिटिव डॉट रेजेक्स, रेजेक्स के बाद हम उसको पैटर्न बताएंगे कौन सा पैटर्न है। तो पैटर्न जो होगा वो क्या है, डॉट स्टार के, अगर उसकी स्टार्टिंग कुछ भी है, ठीक है, मतलब एंडिंग स्टार्टिंग जो भी हो, तो वो हमें वो चीज़ को लाके दे ही दें। वो हो सकता है बिगिनिंग पे हो सकता है इन मिडल हो सकता है एट द एंड हो, ठीक है। तो उसका फर्ज बनता है कि उसको पूरा वो ले आए, डॉलर डॉट स्टार, ठीक है जी। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए हो ना कि क्या है डॉलर सॉरी आई। तो ये हो गया, ये आती है बारी नेक्स्ट क्वेरी की। तो अभी नेम था, उसके बाद क्या हो सकता है वो डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में भी हम सेम चीज़ लिख देते हैं, लाइक दिस, ठीक है जी। तो हमने नेम के अंदर सर्च कर लिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर सर्च कर लिया कि अगर इन दोनों में वो मिलता है तो हमें वो डेटा मतलब लाके जो है वो दे दे। अब ये तो हो गया कि जैसे उसने लेंथ पास की तो ये ऊपर आना था, मैंने नीचे लिख दिया।
अब मान लो कि उसने जो है सर्च आइटम में कुछ पास ही नहीं किया, ठीक है, तो क्या आना चाहिए? तो सिंपली कुछ नहीं, हम इस एल्स को यहाँ पे हटाते हैं, तो सीधा सर्च क्वेरी मारते हैं कि अगर मान लो उसने फिल्टर जो है वो खाली छोड़ दिया, तो हम पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे, ठीक है जी। तो अभी हम इसका क्वेरी लिखते हैं इसको यूज़ करके, और कलेक्शन डॉट फाइंड, ठीक है। फाइंड में क्या लेता है, कॉन्टेक्स्ट लेता है, कॉन्टेक्स्ट टू डू, देन उसके बाद ये सर्च फिल्टर, सर्च फिल्टर के बाद वो क्या लेता है, ये हमारा पेजिनेशन, ठीक है, फाइंड ऑप्शन, तो फाइंड ऑप्शन पास कर दिया। तो अब ये तीन चीज़ों से हमारा क्या है, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये यहाँ पे दो चीज़ों को रिटर्न करेगा, वो क्या होगा, ये तो कर्सर, दूसरा एरर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर एरर हुआ नहीं, यहाँ पे एरर को चेक नहीं करेंगे हम, सीधा हम कंट्रोलर में चेक करेंगे एरर को, कर्सर डॉट ऑल कॉन्टेक्स्ट टू डू, देन बाइंड कर दो किसको, प्रोडक्ट को, मतलब जो रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा उसको प्रोडक्ट के अंदर बाइंड कर दो। तो ये इसने कौन सा प्रोडक्ट उठाया जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो उस एरे के अंदर इसने सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरर रिटर्न प्रोडक्ट, एंड अभी काउंट हमारा निकालना रहता है तो काउंट भी निकाल ही लेते हैं। तो और कलेक्शन डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स, तो इसके अंदर कंटेक्स्ट आता है, फिल्टर आता है, देन ऑप्शंस आते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंटेक्स्ट एंड सर्च फिल्टर डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा काउंट करके जो है हमें रिकॉर्ड दे देगा, तो ये इंट 64 यहाँ पे रिकॉर्ड दे के आएगा, काउंट एंड एरर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंट एंड एरर, तो ये हमने यहाँ से सारी चीज़ें जो है वो रिटर्न कर दी लाइक दिस। तो अभी आप लोगों को इतना समझ आ गया ना कि हमने क्या किया है, हमने बेसिकली क्या किया है, सर्च आइटम में ये चेक किया कि कितने लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर उसकी लेंथ, मतलब जो सर्च आइटम है उसके अंदर 3 लेंथ से ऊपर हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको नेम के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक करेंगे कि अगर वो उसके साथ मैच करता है तो वो क्या कर दे, हमें उतनी वैल्यू को रिटर्न करके इस कर्सर में दे दे। एंड उसके बाद क्या है, हम हमारा जो प्रोडक्ट्स के साथ है रिजल्ट बाइंड कर दे, देन उसको काउंट करके रिजल्ट रिटर्न कर दे। अगर मान लो ये नहीं आया तो ये वाली क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, तो हमारा सिंपली जो सारा का सारा रिजल्ट है जो सर्च फिल्टर में भी एम्प्टी था वो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, एंड उसको हम यहाँ से बाइंड करके रिटर्न करवा दें, ठीक है जी। तो ये था, अब क्या करते हैं हम कंट्रोलर साइड चलते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या आया। तो यहाँ पे आएंगी 3 चीज़ें, प्रोडक्ट्स, काउंट एंड एरर। समटाइम्स होता है कि हमें एरर को भी फेस करना पड़ सकता है, कोई ज़रूरी बड़ी, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे एरर को हम इस टाइप से वो कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। देन अब बारी आती है रिस्पॉन्स को रिटर्न करने की, तो रिस्पॉन्स भी हम यहीं से उठा लेते हैं ना। तो ये हो गया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स था तो प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिख देते हैं। लो जी, हमारी सर्च की एपी रेडी है, तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके रन करके चेक करते हैं। तो हमारा एपी रेडी है, तो यहाँ पे है, नहीं ये प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है, अच्छा ये रहा सर्च, तो इसको कॉपी कर लिया मैंने। अब चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, लोकल लोकल होस्ट 8080 स्लैश, ये अब आती है सर्च की बारी, सर्च इक्वल टू PHON। तो जैसा मैंने बोला था वैसे ही इसने जो रिस्पॉन्स है वैसे ही दिया, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ IP, तो ये सारे प्रोडक्ट लेके आ जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, एक दो प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। तो
मैं यहाँ पे पोस्टमैन में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे लाइक आईफोन की जगह पे मैं और कोई प्रोडक्ट ऐड ऑन कर देता हूँ लाइक सैमसंग एंड इसकी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ फोल्ड, सैमसंग फोल्ड, ठीक है। तो प्राइस उसका कर देते हैं 5 रुपया। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको हिट किया तो यहाँ पे सैमसंग जो है ये भी ऐड ऑन हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं उसी चीज़ को सर्च करता हूँ तो अभी हम देख सकते हैं इसने कौन कौन से रिकॉर्ड ला दिया। हमें आईफोन ला दिया, देन उसके बाद सैमसंग ला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च के अंदर सिर्फ 2 लेटर डाले थे हमने, जो क्या कहते हैं उसको, वैलिडेशन लगाई है वो कितने के लिए गई है, 3 लेटर्स की। तो हमें यहाँ पे 3 इंक्लूड करने पड़ेंगे लाइक IPH। तो अभी मैंने जैसे ही आईफोन का शॉर्ट फॉर्म डाला लाइक शॉर्ट वर्ड डाला, लेटर डाले 3, तो उसने आईफोन के रिगार्डिंग जो है हमें सिर्फ एक ही चीज़ दे दी। तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये सैमसंग के रिगार्डिंग लिखूँगा लाइक सैम्स, तो ये सैम्स, मैंने सैम्स डाला तो ये सैमसंग के रिगार्डिंग इसने क्वेरी किया, देन उसने उसका रिकॉर्ड ला के हमें सर्च बार में दे दिया। तो ये था सर्च क्वेरी के कैसे सर्च कर सकते हैं हम किसी भी प्रोडक्ट को, और कैसे अनऑथराइज्ड यूज़र मतलब जो लॉग इन यूज़र नहीं है वो कैसे प्रोडक्ट्स को देख सकता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सर्च क्वेरी लगा सकता है। देन अभी नेक्स्ट हम कवर करेंगे कि इसको ऐड टू कार्ट, चेकआउट एंड एड्रेसेस के ऊपर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक जरूर दे के आए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय श्री राम।